अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझी और आप देख रहे हो साफ डिजिटल। मेरे साथ आमिर डोगर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर केसेस का बताइएगा कि अब तो इतने 6-6 जज भी कह रहे हैं, अब वो बात किस तरफ लेके जा रहे हैं? मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो इन जजेस को खराज तहसीन पेश करना चाहिए और ये चार्जशीट है। और अब जुडिशली और अदलिया जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, मामला उनकी कोर्ट में है। तहरीक इंसाफ का जो पहले जिनसे मौकफ था, अल्लाह ताला ने वो मौकफ हमारा सच साबित किया। और ख़ान साहब जो रूल ऑफ लॉ की बात करते थे, अदलिया की आज़ादी की बात करते थे, इंसाफ की बात करते थे, आज ये तय करना है कि क्या मुल्क हमने रूल ऑफ लॉ के तहत चलाना है, किसी कानून और आइन के तहत चलाना है या किसी की मुदाखलत के साथ चलाना है। तो ये बहुत बड़ा बारिश का पहला कतरा भी है और एक तारीखी फैसला है जो ये खत 6 जजेस साहबान ने दिया है। तहरीक इंसाफ अपने जजेस के साथ खड़ी है, अदलिया की आज़ादी के लिए उनके साथ है, सिविल सोसाइटी, वकला सारे। और इसके लिए हमने एक तहरीक का आगाज़ किया है। पाकिस्तान की तारीख में एक बहुत बड़ी हम पेशावर में रैली करने जा रहे हैं, कन्वेंशन करेंगे। और जो खान साहब के केसेस जिन भोंडे अंदाज में आइन और कानून को बिलडोज करके उनको सजाएं दी गई, तो सच साबित हुआ कि सब कुछ एक शख्स की खातिर था। और आज पूरी कौम ने देख लिया कि जजेस ने जब ख़त लिखा और संगीन इल्ज़ामात लगाए, उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। अल्लाह अल हक है।